अभी भी काम चला हुआ है इसके ऊपर। जैसे भी देखो कैसे गिरा रही है पत्थरों को, ये देखो कितना बड़ा पत्थर इसने उठाया जेसीबी ने। और ये हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है मेरा स्मृति 2023 राइड का डे 5 और इस समय हूँ मैं पुर्थी में। जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि लैंडस्लाइड अभी तक क्लियर नहीं हुई थी, तो अब मैं यहाँ से फिर से उसी पॉइंट पे निकल रहा हूँ जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है। देखते हैं अब लैंडस्लाइड कितनी देर में क्लियर होती है। अगर आज भी लैंडस्लाइड क्लियर नहीं होती तो मैं स्पीति का प्लान ड्रॉप कर दूँगा और मैं निकलूँगा फिर यहाँ से किश्तवाड़ की सड़क। तो बाइक मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, सामान मैंने पैक कर लिया है, बाइक बिल्कुल देखो रेडी है चलने के लिए तैयार हमारा चीता। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको मोटर ब्लॉग में। सो गाइस, अब निकलने की होगी है तैयारी, चलते हैं देखते हैं आगे आज लैंडस्लाइड वाला पोर्शन क्लियर हुआ है या नहीं। ठीक है भाई जी, ठीक है, थैंक यू। ये है वो ढाबा जिसपे मैंने स्टे किया था। आज लैंडस्लाइड खुल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। देखो धूप कितनी प्यारी निकली हुई है, अब तो काफ़ी दिन हो गए लैंडस्लाइड हुए हुए। चलो देखते हैं, पहुँचते हैं और देखते हैं कि लैंडस्लाइड क्लियर करी उन्होंने या नहीं। वैसे बीआरओ वालों को इतना समय लेना नहीं चाहिए लेकिन काफ़ी समय ले रहे हैं। सुबह का नज़ारा देखो क्या बढ़िया, और सुन वाओ ब्यूटीफुल। अभी पीछे आया था शोर विलेज, वहाँ पे लोगों से मैंने अपडेट लिया कि क्या सीन है आगे का, रास्ता खुलेगा या नहीं खुलेगा। बता रहे हैं काम स्टार्ट हुआ था लेकिन फिर से पत्थर गिरने शुरू हो गए तो इसलिए फिर से उन्होंने काम बंद कर दिया। फिर से नई एक बैड न्यूज़, देखते हैं क्या रहता है। जा तो रहा हूँ मैं उस तरफ, क्या सीन बनता है क्या नहीं बनता है अभी कुछ नहीं पता। आज तो खोल दो यार रास्ता, मेरी ऑडियंस वेट कर रही है स्पीति के व्लॉग्स की कि मुझे किश्तवाड़ घुमा के लाओगे। किश्तवाड़ भी यहाँ से अप्रोक्सीमेट 150 किलोमीटर पड़ेगा और वो भी रास्ता सारा ही ऐसे ही है, ख़राब सा, बीच बीच में बना हुआ ख़राब है, तो वहाँ पे भी कम से कम 6 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में। चलो देखता हूँ क्या सीन बनता है क्या नहीं बनता। धूप तो अच्छी निकली हुई है, बाकी किस्मत की बात है। स्पीति का ये टूर मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर से आ गया खूबसूरत सा झरना, कितना पानी है देखो इसमें, काफ़ी पानी बह रहा है। और कल भी इतना ही पानी था दोपहर के टाइम भी, और अभी भी इतना ही पानी है यहाँ पे। अब फिर से ये ऑफ रोड स्टार्ट हो गया, देखते हैं कितने किलोमीटर तक चलता है ऑफ रोड। फिर से आ गई है वही वाली वाटर क्रॉसिंग जिसे मैंने कल क्रॉस किया था। और आज भी फिर से क्रॉस कर लिया।
ये देखो पहाड़, धूप कैसी चमक रही है इस पहाड़ के ऊपर। वो देखो लैंडस्केप, कितना खूबसूरत लैंडस्केप था। ये लैंडस्केप कह रहे हैं किसी रास्ते से होते हुए स्पीति जाओ, इंतज़ार करो, लेकिन लिमिटेड टाइम है, टाइम के ही बाउंडेशन भी है तो टाइम को भी देखना पड़ेगा। लगता है कल यहाँ पे बारिश हुई है तभी यहाँ पर पानी है कई जगह। फिर से पहुँच चुका हूँ मैं उसी लोकेशन पे जिससे आगे हुई हुई है लैंडस्लाइड। अब देखते हैं कि लैंडस्लाइड क्लियर होती है या नहीं होती है। यहाँ से ड्रोन शॉट लेते हैं और देखते हैं क्या है आगे का सीन। भाई मत जाओ, मत जाओ। नहीं जा रहे, नहीं जा रहे जी। चला हुआ है यहाँ पे काम जेसीबी से। ये हुई हुई लैंडस्लाइड, ये पर्सन ऊपर का। इसी के साथ ये अपडेट है, ये रास्ता मैक्सिमम इन्होंने क्लियर कर दिया है। ये देखो
यहाँ तक पहुँच चुकी है ये जेसीबी। अब ये पोर्शन क्लियर करना रह गया है, देखो उसके बाद ये रास्ता सारा क्लियर है। अभी भी काम चला हुआ है इसके ऊपर, जेसीबी देखो कैसे गिरा रही है पत्थरों को, ये गए सारे के सारे नीचे। चलो वेट करते हैं, देखते कितनी देर में ये रास्ता खुल जाता है, और मेरे पीछे कितने सारे लोग हैं इसी इंतज़ार में हैं कि कब रास्ता खुलेगा, कब यहाँ से हम निकलेंगे आगे। तो गाइस जेसीबी आ चुके हैं यहाँ पे, अब ये जो पोर्शन रह गया बस यही रह गया क्लियर करने के लिए, पिछला पोर्शन इन्होंने क्लियर कर दिया है। और जैसे बिल्कुल ये क्लियर है, बस यही वाला क्लियर करना है। ये देखो इस तरह से ये लैंडस्लाइड को क्लियर कर रहे हैं, जगह बना रहे हैं व्हीकल्स के निकलने के लिए रास्ते, अभी इसको कराएंगे। बड़ा पत्थर इसने उठाया जेसीबी ने, और ये गया पत्थर नीचे। सो गाइस लैंडस्लाइड हो चुकी है क्लियर इस जेसीबी की मदद से, और निकलने की कर चुका हूँ मैं यहाँ से तैयारी। अब आगे मुझे देखना है, संभल संभल कर चलना है आराम आराम से। बिल्कुल आराम आराम से, देखो कैसे क्लियर किया है जेसीबी ने। वो सामने वाला पोर्शन है जहाँ पे ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई थी, पत्थर गिरे थे, एक व्हीकल निकल चुका है, अब मेरी बारी है, दूसरे नंबर पे मैं हूँ निकलने वाला। ये आए महाराष्ट्र से, बस कुछ ही समय रह गया और निकल जाओ, निकल जाओ आराम आराम से। और फाइनली मैं निकल चुका हूँ इस रास्ते से, थैंक्स टू बीआरओ। यहाँ पे लोगों में कितना उत्साह है। हाँ जी, एस्टीमेट से कितनी होंगी पीछे, एस्टीमेट से? थोड़ी गाड़ियाँ हैं, 5-7 गाड़ियाँ हैं बस, ज़्यादा नहीं है, 5-7 गाड़ियाँ हैं बस, 5-7 हैं उसके पीछे, नहीं पीछे तो आगे ट्रक टुक लगे हो बहुत पीछे, उनको तो पता लगेगा तब निकलेंगे ना वो। हाँ 5-7 गाड़ियाँ हैं इधर ही, ठीक ओके।
लोगों में कितनी खुशी है, कितना उत्साह है। ओके जी, ठीक ठीक रास्ता खुलने का कितना खुशी है लोगों में। यहाँ पे भी देखो कितना खतरनाक वाला रास्ता है यार, निकल लो इस जगह से टाइम से। आगे मिलने वाला है टर्मिक रोड। खुल गया, खुल गया जी। और बहुत खुशी की बात है, फाइनली आप लोगों के लिए मेरा ये स्पीति वाला टूर फिर से शुरू हो चुका है कि मैं ड्रॉप करने वाला था। थैंक्स टू BRO, एक बार फिर से हाथ जोड़कर थैंक यू कि आपने रास्ता आखिरकार खोल ही दिया इतना रिस्क लेकर। और इसी के साथ ये आ गया टर्मिक रोड। अब ज़रा टाइम से निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए जो कि है सिसु। तब तक आप इंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल हाइपरलैप शॉट को म्यूजिक के साथ। सामने देखो गैस, क्या ब्यूटीफुल झरना बह रहा ऊपर से टॉप से। ओहो क्या ब्यूटीफुल लैंडस्केप है यार, वाओ। आपको थोड़ा सा यहाँ रुक कर दिखाता हूँ, ये देखो, थोड़ा और आगे जाकर दिखाता हूँ, यहाँ से ये अच्छा दिखेगा। ये देखो कहाँ से बहकर आ रहा है यार ये झरना, वाओ ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया यार। वो देखो कहाँ से आ रहा है, वो ऊपर से भी बह रहा है यार, वाह। चलो चलता हूँ क्योंकि ऑलरेडी दो दिन से यहीं रुका हूँ तो टाइम से सिसु पहुँचना है। टाइम देखते हैं कितना हुआ है, टाइम हो गया 12:47। चलो चलते रहते हैं इसी तरह जब तक ये बढ़िया रास्ता दिखता है। वाह क्या ब्यूटीफुल लैंडस्केप है यार, सच में दिल खुश हो गया यार, कितना ज़बरदस्त सीन है यार ये तो, वाओ ब्यूटीफुल। और लगता है यहाँ पे मुझे मिलने वाली है एक वाटर क्रॉसिंग। जी हाँ ये देखो सामने वाटर क्रॉसिंग, वो पानी है, बहाव आ रहा है पूरा। ओहो ठंडा ठंडा पानी है ये तो। और आखिरकार क्रॉस ही कर ली हमने ये वाटर क्रॉसिंग। अब फिर से शुरुआत हो चुकी है टूटे हुए रास्ते की, ऑफ रोड की। चलो कोई बात नहीं, मेन तो था वहाँ से निकलना। और सामने देखो एक खतरनाक मंजर पहाड़ का ऊपर से लेकर नीचे तक, देखो कैसे पहाड़ों को काटा हुआ है यार बीच बीच में से यार। हैट्स ऑफ टू BRO यार, ज़बरदस्त काम है यार यहाँ का, बहुत मुश्किल काम है। और यहाँ पे मज़दूर जो काम करने वाले हैं ज़्यादातर बिहार और झारखंड के हैं, उनके लिए भी दिल से एक सलूट है, कितनी मेहनत कर रहे हैं वाकई में वो।